पिछले कुछ महीने पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वक् हो गई है, जिसके चलते लगातार ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हरियाणा कमेटी के खिलाफ मानयोग अदालत में भी पटीशन पाई हुई हैं। लेकिन इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजम जो हरियाणा के गुरुद्वारों में ड्यूटी कर रहे सन और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वक्री होने एस जी पी सी के मुलाजम हरियाणा कमेटी के अधीन आने लगे और हुण मुलाजमान वालों श्रोमणी कमेटी में लगातार आ के अपनी ड्यूटी वापस श्रोमणी कमेटी अधीन आते गुरुद्वारे करवाने की बेनती की गई। जो उन्होंने बेनती प्रवान ना हुई तो अज उन्होंने वालों एस जी पी सी के मुख दफ्तर के बाहर बैठ के रोस प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों नाल गलबात करदे प्रदर्शन कर रहे एस जी पी सी के मुलाजमान ने कहा कि वह लंबे समय तो एस जी पी सी के अधीन आते गुरुद्वारे ड्यूटी निभा रहे सन और एस जी पी सी वालों उन्होंने ड्यूटी हरियाणा के गुरुद्वारों में लगाई गई सी। बाद विच हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी वक्री होवे जिस करके उन्होंने ड्यूटियां हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के अधीन आने लगियां। उन्होंने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट से सानू भरोसा नहीं है, जिस करके वह लगातार ही श्रोमणी कमेटी को अपील कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के गुरुद्वारों में ही ड्यूटी इसलिए वापस लिया जाए, नहीं तो वह आत्महत्या करने मजबूर होंगे, जिसके चलते अज उन्होंने वालों एस जी पी सी के दफ्तर के बाहर बैठ के रोस प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना मंग पत्र डीसी को देने पहुंचे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी, मैं कथावाचक हाँ जी, मैं संस्कृत शास्त्री एम ए आचारी है जी। 7 साल तक श्री केसगढ़ साहब विखे कथा की है जी, 13 तो भर्ती है जी। 2 साल पहला नाडा साहब सेवा लाई गई, पिछों आ हुण इन्हां दा आपसी कोई रौला चलता सी, हरियाणा कमेटी बन गई जी। असी पंजाब दे जम्मे पले, पंजाब दे भर्ती, पंजाब दे हाँ, असी श्रोमणी कमेटी कोल आए हाँ भी सानू पंजाब विच रखिया जावे, पर सानू गल लाउण दी बजाए इन्हां दे बंदिया ने धक्के मारे है जी। सानू आख्या कि जाओ जो करना करो, साडे कोल कोई हल नहीं। सानू असी घट्टो घट 5 वार बारी बारी आके एप्लीकेशन दे चुके हाँ, पर साडा कोई हल नहीं होया। हाँ, जिथे कि अपने चहेतियां दियां जिन्हां जिन्हां दी कोई लीडरां तक पहुँच सी उन्हां जो बंदियां दियां बदली भी कर दित्तियां। नाडा साहब तो अंब साहब एक साडे ग्रंथी सिंह है, सानू उन्हां नाल कोई शिकवा नहीं, पर साडा ये कहना है कि असी पंजाब दे रहण वाले हाँ, साडियां बदलियां पंजाब विच कीतियां जाण, असी गुरु घरां दी सेवा कर रहे हाँ, ये साडी बेनती लैके असी आए हाँ, पर साडी कोई सुनवाई नहीं। असी धामी साहब नाल गल की पर धामी साहब ने कोई सानू आश्वासन नहीं दिता। उन्होंने आख्या जी असी कमेटी बना देंगे, कमेटियां अगे कई मसलों पर बनियां ने, किसी का कोई अज तक उत्तर नहीं आया ठोस, इसलिए सानू ये है भी कोई इस गल का वो नहीं है। सानू लगता तो नहीं है कोई हल तो नहीं, पर असी करिए कि सानू हो राह की है। असी तो बूहे ते बैठे गुरु रामदास दे घर, असी सिमरन कर रहे इतने शांतमई सतनाम वाहगुरु। मैनू कल 101 तो उत्ते बुखार सी, गोली खा के इतने बैठे हाँ, मजबूरी है। नहीं, जथेदार साहब नूं असी लैटर पा दिता, हजे तक सानू कोई जवाब नहीं आया जथेदार साहब तो। असी हाँ जरूर मिलांगे, गलबात करांगे, करनी चाहांगे। असी जे नहीं मन्नी जांदी तां फिर असी उह बाद विच वेखांगे, पर असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल असी इत्थों दे सिखां बेनतियां कर रहे हां। सिखां दे घरें जम्मे हां, सिखां असी, सानू बाहर ना धक्को, दूजे पासे दूजे धर्मां वाले बंदियां नूं अपने विच कन्वर्ट करके इधर नूं ला रहे हैं, ये सानू सिखां दे जम्मियां नूं पलियां नूं सानू धक्के मार रहे हैं। जद साडे नाल इह कुछ हो रहा है पढ़े लिखिया नाल कथावाचकां नाल, इह होर किहदे नाल प्यार करनगे, ये साडी बेनती है। मेरा नाम बेअंत सिंह है जी, असीं तां श्रोमणी कमेटी दे मुलाजम हाँ, और साडी जिहड़ी नियुक्ति की गई सी उह गुरद्वारा नाडा साहिब पंचकूला हरियाणा च की गई सी, दफ्तर दे आर्डर दे नाल, श्रोमणी कमेटी दे आर्डरां दे नाल असीं उत्थे पिछले लंबे समय तो ड्यूटियां निभा रहे हैं सारे। हुण श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल जिहड़ा हरियाणा कमेटी का केस चलता, हरियाणा कमेटी का उत्थे जिहड़ा है उह सेवा संभाल का काम हरियाणा कमेटी का हो चुकिया। साडी असी 21-2-2023 नूं उन्हां दा कब्जा होया सी, 22-2-23 तो लै के हुण तक असी वख-वख पत्रां राहीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बेनतियां कर चुके हाँ कि साडियां जिहड़ियां बदलियां ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर दित्तियां जाण। क्यों?
क्योंकि साडा जिहड़ा सारा बाग परिवार जां साडा होर लैन देन सारा जिहड़ा उह पंजाब दे नाल संबंधित है, तो इस करके साडा उत्थे लंबा समा जिहड़ा रहना वह बड़ी दिक्कत वास्ते साडा परेशानियां दा उत्थे सानू बहुत परेशानियां आ रही ने हुण साडे बच्चियां दा करके जां होर कारण करके जां सानू अपने भविख की भी चिंता है कि पता नहीं उत्थे साडे जिहड़े इत्थों दे एक्ट के मुताबिक जिहड़े साडे हक से जिहड़े साडे हकूक से वह सा हुण अगे सानू महफूज रहणगे जां नहीं रहणगे, इस तरह की चिंता दे विच असीं पिछले दो महीने तो असी इन्हां नूं बार बार बेनती है चुकी, पर इहदे साडे दे उत्ते उहदे ते कोई असर नहीं कीता। इस कारण सानू कोई दस्सिया भी नहीं जा रहा, सानू जबानी जिहड़ा उह कहा जा रहा कि असीं तुहाडे बारे सोच रहे हां, असीं तुहाडे बारे कर रहे हां, असीं परेशान हो के क्योंकि जे मैं अपनी निजी गल करां तो दो महीने पहला मैनूं हार्ट अटैक आया, मैं पेशेंट हाँ और मैं अपने परिवार तो दूर रह रहा, मैनूं कई तरह दीआं दिक्कतां आ रहीआं ने, पर इन्हां ने सानूं ना तां कोई ना कीती आ ना ही सानूं कोई अजे तक हाँ कीती आ, ते साडी तां बेनती इह आ कि सानूं जिहड़ा ने उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध हेठ लिआंदा जावे। साडी जिहड़ी आ जिहड़े इश्क चाह वाण ने उह सिर्फ 100 ते कुछ नेड़े तेड़े ने, 100 दे समथिंग ने। हाँ जी, फिर असी वेखो जी साडा तो जो हैगा सर जिनी मानसिक परेशानी दे वसी साडे विचों कई बंदे ऐसे भी ने जिहड़े आत्महत्या तक भी तैयार होए ने, सानू अगे कुछ दिसदा नहीं आ, साडी 8-8, 9-9 साल सर्विस रहिंदी आ, ना असी उधर जोगे ना असी उधर जोगे, साडा तां हुण साडा तां लुटिया पुटिया, बच्चे साडे जवान ने वह किसी पासे असी उहनां दा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि असी परेशानियां दे विच जिहड़ा बंदा रह के वह की कर सकदा।